साथियों, नए साल भी कर्मचारियों के लिए 31% महंगाई भत्ता और एचआर को लेकर बड़ी और लेटेस्ट खबरें। चुनाव टालने से सरकार को हुआ करोड़ों का फायदा। इस प्रकार की लेटेस्ट और बड़ी खबर देखने के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। पहली विशेष खबर, मंत्रालय के कर्मचारी पर एफआईआर, ट्रांसफर के लिए 4 लाख की ठगी का आरोप। की खबर को देखते हैं जो कि भोपाल से लगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मंत्रालय में पदस्थ एक संविदा कर्मचारी राजेंद्र गिन्नारे के खिलाफ साइबर सेल भोपाल में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। अलीराजपुर जिले की नर्सों से शिकायत में बताया था कि वह मनचाहे ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए उनसे 4 लाख रुपए लिए गए थे। साइबर सेल के निरीक्षक अशोक मरावी ने बताया कि 35 वर्षीय विलोरिया भवर जनजातीय क्षेत्र अलीराजपुर में नर्से और उसके साथ 2 अन्य युवतियां भी अलीराजपुर जिले में अलग अलग स्थानों पर नर्से विलोरिया अपना स्थानांतरण दूर करवाना चाह रही थी। इसके लिए वह प्रयासरत थी। इसकी जानकारी मिलते ही सिवनी जिले की 2 युवतियों जो अलीराजपुर में पदस्थ थे, उन्होंने कहा कि मेरा भी स्थानांतरण बालाघाट कराने का प्रयास कीजिए। आरोपित राजेंद्र गिन्नारे वर्षों पहले इंदौर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता था। इसी दौरान विलोरिया भवन से उनका परिचय था। दोनों में कभी कभार फोन पर बात हो जाती थी। नर्स ने राजेंद्र गिन्नारे से संपर्क किया कि तुम मंत्रालय में पदस्थ हो, कुछ संपर्क बताओ। गिन्नारे ने कहा कि मंत्रालय में पदस्थ होने के कारण विभागीय अधिकारियों के साथ साथ नेताओं से भी अच्छे संपर्क है, इसलिए वे स्थानांतरण करा देगा। जून माह में तीनों नर्सों के स्थानांतरण का सौदा गिन्नारे ने 4 लाख रुपए में किया। तीनों युवतियों ने 4 लाख रुपए गिन्नारे के खाते में जून महीने में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। स्थानांतरण नहीं होने पर युवतियों ने अपने अपने पैसे मांगना शुरू किए, लेकिन आरोपित ने पैसे भी नहीं लौटाए। उसके बाद युवतियों ने सितंबर 2021 में साइबर सेल में शिकायत की। जांच के बाद साइबर सेल से धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया गया। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अगली बड़ी खबर, 31% महंगाई भत्ता और एचआर को लेकर राज्य शासन द्वारा राज्य के कर्मचारियों को अब भी 6वें वेतनमान के अनुरूप मकान भाड़ा सहित अन्य भत्ते दिए जा रहे हैं, जबकि वर्तमान में उन्हें 7वां वेतनमान दिया जा रहा है। उक्त आरोप मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने लगाते हुए कहा कि 1 जनवरी 2016 तथा अध्यापक संवर्ग को 1 जुलाई 2018 से 7वें वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन राज्य शासन द्वारा अभी भी कर्मचारियों को 6वें वेतनमान के अनुसार ही पुरानी दरों से मकान भाड़ा भत्ता, वाहन भत्ता सहित अन्य भत्ते दिए जा रहे हैं। इससे कर्मचारियों में सख्त नाराजगी है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री योगेंद्र दुबे ने बताया कि 7वें वेतनमान के अनुरूप भत्तों में बढ़ोतरी न होने से 7वें वेतनमान का वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है। शासन के दोहरे मापदंड से राज्य के कर्मचारियों में भारी निराशा एवं आक्रोश व्याप्त। संघ के आलोक अग्निहोत्री, ब्रजेश मिश्रा, मनोज सिंह आदि ने शासन से राज्य कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के अनुसार ही भत्ते दिए जाने की मांग की है। मांग की गई है कि केंद्र के समान 31% महंगाई भत्ता मिले। बढ़ती महंगाई को देखते हुए मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा समन्वय समिति ने राज्य कर्मचारियों को भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग की है। समिति के जिला अध्यक्ष रॉबर्ट मार्टिन ने जारी बयान में बताया है कि वर्तमान में केंद्र के कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि राज्य के कर्मचारियों को 20% महंगाई भत्ता एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 17% महंगाई राहत मिल रही है। समिति में मीनूकांत शर्मा, सुनील स्टीफन आदि ने प्रदेश के कर्मचारियों को भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए। ये बड़ी खबर, एसडीएम के खिलाफ कर्मचारियों को प्रदर्शन। विशेष खबर भी भोपाल से है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जिला पटवारी संघ ने एसडीएम अरविंद चौहान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए एक रैली निकाली एवं कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ऐलान किया कि जब तक अरविंद चौहान को एसडीएम के पद से हटाया नहीं जाएगा, तब तक ये मामला शांत नहीं होगा। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला शाखा खंडवा के द्वारा खंडवा के एसडीएम अरविंद चौहान द्वारा खंडवा तहसील के 6 पटवारी साथीगणों को कार्यालय में बुलाकर अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया। इसके संबंध में मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला शाखा खंडवा के द्वारा संयुक्त मोर्चा जिलाध्यक्ष शिव चंद्रनारायण एवं पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष दर्शन शीतल रेजा के मार्गदर्शन में कलेक्टर महोदय के नाम संयुक्त कलेक्टर अशोक जाधव को दिया गया। और बड़ी खबर, पंचायत चुनाव टले लेकिन सरकार को हुआ करोड़ों का फायदा। आइए देख लेते हैं विशेष खबर और किसे हुआ फायदा। एमपी पंचायत इलेक्शन 2021 लेटेस्ट अपडेट, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव भले ही टल गई लेकिन इससे सरकार को करोड़ों का फायदा हुआ है। दरअसल नामांकन दाखिल करने से पहले उम्मीदवारों ने पंचायत में बकाया टैक्स जमा कर नोटिस लिया था, इससे बिजली कंपनी को करोड़ों रुपये का फायदा हुआ है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कहा है कि नोटिस लेने वालों के लिए आगामी पंचायत चुनाव में फायदा मिल सकता है। पूरी खबर को विस्तार से देखते हैं जो कि भोपाल से है। मध्य प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भले ही निरस्त हो गए हों, लेकिन इस चुनाव के जरिए गांव की सरकार पर कब्जा जमाने की उम्मीद में लगे उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है। सिर्फ प्रचार में नहीं बल्कि नामांकन दाखिल करने से पहले
जमा होने वाले नोड्यूज के नाम पर उम्मीदवारों ने अपना बकाया बिलों की अदायगी कर दी, जिससे सरकार को करोड़ों का फायदा हुआ। दरअसल पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के लिए यह अनिवार्य किया था कि उनके ऊपर किसी भी तरीके का सरकारी राशि बकाया न हो, जिससे पंचायत के टैक्स और बिजली बिल के बकाया राशि शामिल थी। पहले और दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए 2,17,000 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे। नामांकन दाखिल करने से पहले उम्मीदवारों ने पंचायत में बकाया टैक्स जमा कर नोटिस लिया था, बिजली बिलों के बकाया राशि को भरने का काम भी किया था, जिससे राज्य सरकार को करोड़ों का राजस्व मिला है। एक जानकारी मुताबिक सिर्फ गवल चंबर बिजली कंपनी को 7 करोड़ रुपये के बकाया राशि की रिकवरी हो गई है। इसी तरीके से पूरे प्रदेश में बिजली कंपनी के बकाया बिलों की रिकवरी होने पर करोड़ों रुपये का राजस्व मिला है। बिजली कंपनियों को नवंबर और दिसंबर महीने में करोड़ों की रिकवरी हुई है। इसी तरीके से पंचायतों में भी टैक्स जमा होने से करोड़ों रुपये की राशि जमा हुई है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कहा है कि नए पंचायत चुनाव में नए सिरे से नई व्यवस्था के तहत होंगे, लेकिन नोटिस देने वालों को आगामी पंचायत चुनाव में भी इसका फायदा मिल सकता है। वहीं पंचायत चुनाव निरस्त होने पर 2,17,000 उम्मीदवारों की तैयारी पर पानी फिरने से लेकर सियासत गर्म है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने फॉर्म भरवा लिए हैं, फॉर्म भरकर सिर्फ सरकार के खजाने को भरने का काम किया है। सरकार को नामांकन के साथ जमा की राशि के अलावा प्रचार प्रसार पर हुई उम्मीदवारी की राशि भी भरपाई भी करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाले बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।